नमस्कार। आज अपन बात करेंगे ध्रुवीय घमध्य समदूरस्थ प्रक्षेप के बारे में, यानी पोलर जेनिथल इक्विडिस्टेंट प्रोजेक्शन के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। इसकी रचना किस प्रकार करते हैं देखते हैं। सबसे पहले अपन सामने क्वेश्चन दिया हुआ है उसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध को प्रदर्शित करने के लिए एक ध्रुवीय घमध्य समदूरस्थ प्रक्षेप की रचना कीजिए। प्रक्षेप में जो मापनी दी हुई है वो है 1:20 करोड़, और रेखांतराल दिया हुआ है वो है 30 डिग्री है, यानी स्केल है 1:20 करोड़ की और इंटरवल है वो है 30 डिग्री का। तो इस आधार पे अपने अपन को उत्तरी गोलार्ध को प्रदर्शित करने के लिए एक ध्रुवीय घमध्य समदूरस्थ प्रक्षेप की क्या करनी है, रचना करनी है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसके लिए आर निकालेंगे। आर आपको पता ही है पृथ्वी के गोले का अर्धव्यास होता है, जो कि इसका सूत्र है पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास बटा हुआ निरूपक भिन्न का हार। अब पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास कितना है वो आपको पता है, क्योंकि अपन ने लास्ट के वीडियोस में इसके बारे में बात की थी। वो है 63,50,00,000 इसका वास्तविक अर्धव्यास आ जाएगा, और निरूपक भिन्न का हार होएगा जो आपकी मापनी दी हुई है। इसको सॉल्व करने पर अपनी आर कितनी निकल के आ गई है, 3.17 सेंटीमीटर। अब अपन को क्या करना है, रेखा अंतराल यानी 30 डिग्री अक्षांश के चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। तो उसके लिए अपन को क्या देखना होगा कि रेखा अंतराल कितना 30 डिग्री का है। तो 30 डिग्री अक्षांश के चाप की लंबाई ज्ञात करने के लिए सूत्र का प्रयोग करेंगे अपन, 2πr×अंतराल / 360। तो 2πr को अगर इस सूत्र को अपन लिखेंगे तो 2 का मान वैसे की वैसे आ जाएगा। पाई का मान आपको पता है 22/7, इंटू आर आपको पता ही है 3.17, अंतराल कितना था 30 डिग्री का, क्योंकि 30 डिग्री का दिया हुआ है क्वेश्चन में, बटा हुआ 360। इसको सॉल्व करने पर अपना 30 डिग्री अक्षांश के चाप की लंबाई कितनी निकल के आ गई, 1.66 सेंटीमीटर। तो अपने पास 30 डिग्री अक्षांश के चाप की लंबाई निकल के आ गई और आर निकल के आ गई। स्पेस पे अपन क्या करेंगे, पोलर जेनिथल इक्विडिस्टेंस प्रोजेक्शन की रचना करेंगे। तो देखते हैं इसकी रचना किस तरह करेंगे अपन। इसके लिए सबसे पहले अपन को दो लंब खींचने हैं, दो सीधी रेखाएं खींचनी है, जो कि आपस में एक दूसरे को क्या करेगी, क्रॉस करेगी। ये अपन ने रेखाएं खींच दी हैं जो कि एक दूसरे को क्रॉस करती हुई है। अब अपन इसको नाम दे देते हैं, ए बी सी और डी, ये नाम दे दिया अपन ने। अब अपन को क्या करना है, जो बीच का बिंदु है अपना वो ध्रुव को प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ पे अपन नाम दे देते हैं एन, यानी उत्तरी ध्रुव को ये प्रदर्शित करेगा, तो यहाँ पे एन नाम दे दिया। अब अपन को क्या करना है, ए 30 डिग्री अक्षांश के चाप की लंबाई जो कि अपन ने क्वेश्चन में निकाली थी कितनी आई थी अपनी, 30 डिग्री अक्षांश चाप की लंबाई वो आई थी अपने 1.66 सेंटीमीटर। तो अपन को 1.66 सेंटीमीटर प्रकार की सहायता से चाप काटना है। तो अपन क्या करेंगे, एक 1.6 सेंटीमीटर की दूरी प्रकार में भर लेंगे, और एन बिंदु पे अपन इसको रखते हुए क्या करेंगे, एक चाप काट देंगे। फिर अपन को इस तरह से तीन चाप काटने हैं इसी दूरी के लेके, 1.66 के तीन चाप इसलिए काटने हैं क्योंकि अपन को उत्तरी गोलार्ध का बनाना है, और आपको पता ही है एक गोलार्ध में 90 डिग्री 90 अक्षांश होते हैं। तो अपना एक जो कट है वो कितने डिग्री अक्षांश को प्रदर्शित करेगा, रेखांतराल कितने का 30 डिग्री का है, तो ये 30 30 को प्रदर्शित करेगा, ये 30 का, फिर ये 60 का, और ये यहाँ पे जाके 90 का हो जाएगा। तो अब इतने कट लगा लिए अपन ने, 1.66 के तीन कट लगा लिए। अब इन कट को अपन क्या करेंगे, एन बिंदु पे प्रकार की नोक रखते हुए जितना कट है उतना दूरी का अपन प्रकार खोलेंगे, यानी
पहला कट यहाँ था, इतनी दूरी का अपन प्रकार खोल लिया और इसको वृत्त पूरा गोल घुमा दिया। ये हिल रहा, आप ध्यान रखना ये हिले नहीं, नहीं गलती हो जाएगी इसमें। इसी तरह अपन को जो तीन कट लगाए थे, तीनों कटों को पूरा गोल घुमा के एक वृत्त बना लेना है इस तरह से। ये अपन ने तीनों वृत्त बना लिए। अब इसमें जो ये दो रेखाएं ज़्यादा लंबी खींच रही है उसको रफ कर देंगे। अब ये अपन ने अक्षांश वृत्त बना लिए। ये हो जाएगा आपका 0 डिग्री। एन लिख देंगे क्योंकि उत्तरी गोलार्ध का बना रहे हैं, यहाँ लिख देंगे। और ये हो जाएगा, ये 30 का होगा, सॉरी। और ये 60 का एन लिख दिए, 90 का हो ही जाएगा अपने आप। अब अपन को देशांतर बनाने के लिए क्या करना है, 30-30 डिग्री के कोण बनाने हैं, क्योंकि रेखा अंतराल कितने का है, 30 डिग्री का है। पहला 30 का कहाँ आएगा, यहाँ पे। फिर 60 का, ये 90 का है ही, ये 120 का हो जाएगा और ये 150 का हो जाए। इसी तरह इधर भी 30-30 के अपन को कोण बना लेने हैं। ये 30 का, ये 60 का, 120 का और ये 150 का। अब इनको अपन को मिला देने हैं। यूँ ये इसको क्रॉस करेगा, इनको थोड़ा साइड में लिख देते हैं या बाद में लिख देंगे इनको। ये यहाँ से होगा, आप चाहो तो यूँ एक साथ भी इनको मिला सकते हो इधर से। ये हो गया, ये 30 डिग्री के साथ एन लिख देते हैं अपन। ये 60 का हो जाएगा इधर। ये 120 का हो जाएगा। ये 150 का और ये 180 का है, इधर से भी अपन कर लेंगे। तो ये अपना अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल बन के तैयार है। फिर इस पर अपन कोण डाल देंगे, जैसे ये हो जाएगा 0 डिग्री का, ये 30 डिग्री का, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120, 150 और 180 डिग्री का। इधर वही भी वैसे ही डालेंगे, 30, 60,
साठ 90 डिग्री, 120 डिग्री और 150 डिग्री का इधर वेस्ट हो जाएगा, उधर इधर ईस्ट हो जाएगा। इनके यहाँ पे नाम दे देते हैं अपन डी ई और ये एफ वाला, और नीचे स्केल डाल देते हैं अपन। ये स्टेंसिल से डालनी है 1:20 करोड़, ठीक है। ये इतना हो गया। ऊपर ऊपर क्या करनी है अपन को, हेडिंग डालनी है इसकी। ये हेडिंग भी डल के तैयार है, पोलर जेनिथल इक्विडिस्टेंट प्रोजेक्शन। यहाँ पे अपन ये 0 डिग्री को प्रदर्शित कर रहा है, तो यहाँ इक्वेटर डाल देते हैं। इक्वेटर हो गया, तो ये अपना पोलर जेनिथल इक्विडिस्टेंट प्रोजेक्शन बनके तैयार है, जिसमें अपन ने इधर तो ये तो देशांतरों को प्रदर्शित कर रहे हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री वाले, और जो ये अंदर के हैं ये अक्षांशों को प्रदर्शित कर रहे हैं, जैसे 0 डिग्री और 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और ये 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव को प्रदर्शित करेगा, जिसे कि अपन एन से या बिंदु के रूप में दर्शाएंगे। और नीचे ये इसकी स्केल आ गई है, तो ये आपका पोलर जेनिथल इक्विडिस्टेंट प्रोजेक्शन बनके तैयार है। ये हेडिंग भी आपको स्टेंसिल से ही डालनी है। तो आज के वीडियो में अपन ने बात की पोलर जेनिथल इक्विडिस्टेंट प्रोजेक्शन की। अब लास्ट में अपन इसके उपयोग की बात कर लेते हैं, यानी इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। इसका यूज़ मुख्यतः आर्कटिक क्षेत्रों के जो सामान्य उद्देश्य वाले मानचित्र बनाने होते हैं, उन मानचित्रों के लिए प्रक्षेप विशेष रूप से उपयोगी है। और इसके अतिरिक्त इसका उपयोग जो ध्रुवीय अन्वेषण कार्य या जो ध्रुवीय खोज वाले कार्य होते हैं, या फिर ध्रुवीय नौसंचालन से संबंधित मानचित्रों के लिए भी इस प्रक्षेप का प्रयोग किया जाता है, यानी ध्रुवीय नौसंचालन संबंधी एवं ध्रुवीय अन्वेषण संबंधी मानचित्रों के लिए इस प्रक्षेप का प्रयोग किया जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आज अपन ने बात की पोलर जेनिथल इक्विडिस्टेंट प्रोजेक्शन के बारे में। तो थैंक यू सो मच।